नमस्कार साथियों, मैं विकास कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं साथियों हमारे चैनल में। साथियों आज हम लोग करने वाले साथियों क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, आज साथियों लेक्चर नंबर साथियों 8 साथियों। आइए साथियों हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। साथियों जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, ये भी लगभग 50-60% साथियों सेम ही है। ठीक है साथियों, इस पर साथियों हमने क्या करेंगे, हमने जनरल फार्मूला ऑफ बाइनोमियल थ्योरम लिखेंगे साथियों। ठीक है, जो 6 में नंबर क्या दिया गया है 96 का साथियों क्यूब। ठीक है साथियों, साथियों हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर दिया है 100-4 साथियों। ठीक है साथियों, साथियों आपको ये प्लस का साइन इसलिए लगाया साथियों, आपको फॉर्मूले में क्या है प्लस का साइन लगाना पड़ेगा साथियों। ठीक है साथियों, अगर साथियों आप इसको सॉल्व करते हैं साथियों क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है साथियों, ठीक है प्लस माइनस का होता है माइनस होता है साथियों। ठीक है, और 100-4 क्या होगा साथियों 96 होगा। ठीक है साथियों, अब साथियों हम क्या करेंगे, इसको बाइनोमियल थ्योरम जो अपना फॉर्मूला था साथियों, हमने क्या रखा है जनरल फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल थ्योरम हमने रख दिया साथियों। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला लिख दिया साथियों हमने, फिर रखा है सी को हमने क्या रखा, एन को हमने जीरो, आर को जीरो रखा साथियों, आर वन रखा, आर टू रखा साथियों, और आर थ्री साथ रखा। ठीक है साथियों, साथियों हमारे साथियों ये थ्री है वो साथियों एन टर्म है, और साथियों ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है साथियों, तो हमने क्या किया साथियों, इसका क्यूब था हमने खोल दिया यहाँ पर। ठीक है साथियों, और साथियों ये यहाँ पर साथियों क्या था, यहाँ पे वन था हमारा आर, तो हमने क्या किया साथियों, जब भी हमारा वन आर होता है तो हमारा एन आ जाता है, साथियों हमने थ्री रख दिया साथियों। यहाँ पे स्क्वायर था साथियों, हमने स्क्वायर रख दिया साथियों। देखिए साथियों, अब कन्फ्यूज हो जाए, क्यूब है साथियों, ये क्या है क्यूब, मतलब जितने डिजिट उसमें ऑलरेडी है, दो जीरो ऑलरेडी है, तो इसका तीन जीरो और तीन बार और ऐड होंगे साथियों, हमने दो जीरो तीन बार लिख लिया साथियों। ठीक है, मैंने यहाँ पर थ्री बार भी किया है साथियों। देखिए माइनस वन का माइनस फोर का माइनस फोर आ जाएगा। ठीक है साथियों, साथियों हमने सॉल्व करा फैक्टोरियल, साथियों ऐसा फॉर्मूला रहेगा थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री माइनस टू फैक्टोरियल। ठीक है साथियों, एलसीआर वाला पेपर अपना पुराना वाला फॉर्मूला है। ठीक है साथियों, साथियों ने क्या किया यहाँ पर साथियों, देखिए 100 माइनस था 3 माइनस 2 था साथियों, 100 के 100 आ गई साथियों, 4 का स्क्वायर कितना होता साथियों, ऑलवेज 16 होता साथियों, पर 16 के साथियों पॉजिटिव का साथियों, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 कितना 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साथियों। ठीक है साथियों, कैंसिल भी कर सकते हैं, पर अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं साथियों सॉल्व करने पर 1 आया साथियों, ये जब माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो जाता कितना साथियों 0 आ जाएगा, तो फिर पावर साथियों 0 होती है, तो क्या होती है साथियों, हमारी 1 पावर होती है, कितने थी साथियों 1 पावर होती है ना, हमने 1 लिख दिया मल्टीप्लाई में साथियों 64। ठीक है साथियों, साथियों हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया, हमारा कितना 64 आ चुका है। ठीक है साथियों, माइनस का। ठीक है साथियों, तो जो हम इसका सॉल्व करें कितना होगा, 16 जैसा साथियों कितना होता है 48, साथियों कितना हो जाएगा ये 4800। ठीक है साथियों, कितना हो गया हमारा 4800 हो जाएगा। ठीक है साथियों, साथियों हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है साथियों, 4800 हो चुका है। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, कितना साथियों 12 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 12 नेगेटिव पर साथियों, कितना जाएगी 40 आ जाएगी। ठीक है साथियों, कितना जाएगा साथियों 40 आ गए। साथियों हम क्या करेंगे, ये हमारा प्लस का रहेगा, कितना साथियों कितनी जीरो है 2 2 4 2 6, कितनी जीरो साथियों 6 जीरो है 2 2 4 2 6। ठीक है साथियों, साथियों हम क्या करेंगे साथियों, देखिए ये माइनस माइनस के टर्म में इसको इन दोनों क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, माइनस माइनस का होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। ठीक है साथियों, साथियों क्या लिखेंगे, माइनस 12 0 0 6 4 हो जाएगा। ठीक है साथियों, प्लस का साइन आएगा 4800। ठीक है साथियों, साथियों क्या करते हैं, इसको और इसको प्लस वाले टर्म को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है साथियों, तो हमारा क्या जाएगा साथियों, देखिए 4800 साथियों चार टर्म में थी, और 001 साथियों। ठीक है साथियों, साथियों हम क्या करेंगे, देखिए अब इन दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है साथियों, साथियों देखिए 10 में से 4 जाएगा साथियों, ये से ले लेगा ये साथियों, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7, 10 में से साथियों 4 ले कितना हो जाएगा साथियों, हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं 100-4800। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, साथियों हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4800 हो जाएगा साथियों, अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे किससे, इससे 12, यहां पे साथियों लिखते 6400 साथियों, यहाँ पे आ जाएगा साथियों 12। ठीक है साथियों, यहाँ पे 12 हमारा आ जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे साथियों, देखिए 10 में से साथियों 4 जाएगा कितना हो जाएगा साथियों 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों 6 हो जाएगा साथियों, देखिए 9 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा साथियों 3, 8 की 8 साथियों, 4 की 4 साथियों, साथियों देखिए 10 में से साथियों कितना गया 2 जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों 8 बचेगा ऑफकोर्स साथियों, और साथियों ये हो जाएगा 9 में से कितना हो जाएगा 1 जाएगा, तो 8 बचेगा साथियों, ये ऑलवेज क्या होगा 0 होगा, क्योंकि हमने इसी से तो इसको लेके बंद दिया था साथियों। ठीक है साथियों, हमारा कितना का साथियों आंसर आ चुका है हमारा 8 8 4 8 3 6 साथियों, 4 8 8 4 8 3 6 साथियों, यहाँ पे हमारा साथियों क्वेश्चन नंबर साथियों 6 और लेक्चर नंबर 8 साथियों कंप्लीट होता है साथियों। अब हमारी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, और साथियों जो भी हमारा लेक्चर पहली बार देख रहा हो, जाइए साथियों प्लेलिस्ट में,
हमने सारी सीरीज अपलोड की साथियों, क्लास इलेवंथ मैथमेटिक्स के साथियों, धन्यवाद साथियों।